भीतर जो है, जो भीतर संस्कार हैं, भीतर जो कर्म हैं, उसकी परतें इस दृष्टि के ऊपर भी पड़ी रहती हैं। जिस मनुष्य के कर्म संचित हैं, उसकी आंखों के ऊपर कर्म के पर्दे पड़े होते हैं। तो जब उससे कहते हैं बाहर देखो, अब अगर मैं विंडो के ऊपर, खिड़की के ऊपर एक फोटो लगा दूं, तो आर पार तो तुम नहीं देख पाओगे, लेकिन उस फोटो को तो देखोगे। और मैं कहूं तुम बाहर देख के बताओ क्या है, तो बाहर तो तुम्हें दिख नहीं रहा, भीतर जो फोटो है उसी को देख के तुम समझते हो कि बाहर ये है। तो वही सत्य बात तो ये है कि अगर ये शीशे के बदले मैं चेहरा देखने वाला शीशा लगा दूं, खिड़की के ऊपर ट्रांसपेरेंट ग्लास के बदले चेहरा देखने वाला शीशा लगा दूं और तुमसे कहूं 1000 खिड़कियां बना दूं और 1000 लोगों को कहूं कि बाहर देखो, तो वो बाहर जो देखेंगे वास्तव में अपना प्रतिबिंब देखेंगे। तो जो सुंदर है उससे कहूं बाहर क्या दिख रहा है, तो वो कहेगा बड़ी सुंदरता दिख रही है। दूसरा व्यक्ति जो कुरूप है उससे कहूंगा जरा बगल की खिड़की में वो भी खड़ा है, उससे कहूंगा भाई तुम बताओ तुम क्या देख रहे हो, बोले बड़ी कुरूपता है, बड़ी दुर्गंध है, बड़ी बुराई है, मैं वो देख रहा हूं। और यदि तीसरा व्यक्ति शत विक्षिप्त है, कुंठित बुद्धि है, उससे कहूंगा भाई तुम क्या देख रहे हो, तो बोलेगा बाहर सब क्षिप्त विक्षिप्त है, सब उबड़ खाबड़ है। तो इसीलिए ऋषि बोलते हैं कि कोई भी मनुष्य जब तक कर्म संचित हैं, वो बाहर सत्य को नहीं देखता, अपना ही प्रतिबिंब वो बाहर देखना शुरू कर देता है। एवरी पर्सन सीज द प्रोजेक्शन ऑफ हिज ओन सेल्फ आउटसाइड, उसको वो सत्य नहीं दिखता। लेकिन जब शिव योग की साधना करते हुए तुम शिव तत्व को जान लेते हो, तब तुम्हारे लिए कोई कंप्लेन रहती ही नहीं, तब तुम्हारे लिए कोई गुस्सा रहता ही नहीं, तब तुम्हारे लिए कोई कष्ट रहता ही नहीं, तुम सत्य को देखने में सक्षम हो जाते हो। उस समय उस खिड़की से पर्दा हट जाता है, और जैसे ही पर्दा हटेगा जो वास्तव में है वही देखने की तुम्हारे भीतर शक्ति आ जाती है। और जो मनुष्य जीवन की प्रत्येक घटना में सत्य को देखने में सक्षम होता है, उसको कर्म दोष नहीं लगता, क्योंकि उसको कोई दुख होगा ही नहीं, वो सब देखने के बाद कहेगा ये वो अनुभव है जो मैं करना चाहता।